हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आज नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं सीटेट का, तो बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन होती है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, इसकी सिलेक्शन कैसे करें और क्या करें। ठीक है, देखिए, अगर भाषा वन और भाषा टू की बात करें तो ये एक बहुत ही जरूरी मतलब अहम हिस्सा है सीटेट का, क्योंकि सीटेट की अगर बात करें तो सीटेट में लगभग 60 नंबर के क्वेश्चन, लैंग्वेज वन के 30 नंबर और लैंग्वेज टू के 30 नंबर लगते हैं। और बच्चे इसमें कन्फ्यूज होके कुछ और मतलब अपने हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करते और उनका नंबर कटता है। इसमें मैं भी हूँ। मैंने भी जो लैंग्वेज सिलेक्ट किया था वो हिंदी, लैंग्वेज वन हिंदी लिया था और लैंग्वेज टू इंग्लिश लिया था। अगर आप मेरे एग्जाम में, अगर मेरे मार्कशीट देखेंगे तो मेरे लैंग्वेज टू में जो मेरा लैंग्वेज टू था वो इंग्लिश था और उसमें मेरे नंबर सबसे कम आए थे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, और इसलिए मैं ये वीडियो नया बना रहा हूँ आपको। बाकी सब सब्जेक्ट में मेरा अच्छा नंबर था बट इंग्लिश में थोड़ा सा नंबर कम था। तो इसका मतलब ये है कि आप लैंग्वेज सिलेक्शन हमेशा अच्छे से करें, जिस भी लैंग्वेज पे आपका अच्छा ग्रिप हो। ग्रिप से मतलब ये कि आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी का सिलेक्शन किया है, ठीक है, तो लैंग्वेज वन में हिंदी अगर करते हैं आप, तो हिंदी में लैंग्वेज में आप नॉर्मली बच्चे हिंदी लेते हैं तो हिंदी में बेसिकली 15 नंबर के पैसेज आते हैं। पैसेज जैसे मान लीजिए मतलब पैराग्राफ होते हैं, जैसे कहानी होता है उसके आंसर्स करने होते हैं, उसके बाद बाकी और 6-7 नंबर के काव्यांश होते हैं, मतलब कविताओं के आपके उसमें कुछ होते हैं, फिर बाकी जो 15 नंबर के होते हैं उसमें कुछ व्याकरण के पार्ट होते हैं और बाकी पेडागॉजी होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप अगर हिंदी को अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप हिंदी में स्कोर अच्छा सा कर सकते हैं। तो लैंग्वेज वन में हिंदी लेना, इट्स वेरी बेनिफिशियल्स। आप हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश की बात करें लैंग्वेज टू में, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश आप कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश में भी ऐसा कुछ ना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज टू में इंग्लिश कर सकते हैं और लैंग्वेज टू में भी सेम ही प्रोसेस होता है कि उसमें आपको बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन होता है 15 नंबर के, ठीक है। उसमें पोएम भी हो सकता है उसमें, या दो आपको कॉम्प्रिहेंशन मिल सकता है, 9 नंबर के और 6 नंबर के। 15 नंबर के भी आते हैं, 2-3 नंबर, 4 नंबर के आपको पोएटिक डिवाइस आते हैं जिसमें आपको सिमिले होता है, मेटाफर होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा पोएटिक डिवाइस होता है। कुछ ग्रामर्स होते हैं, ग्रामर से काम क्वेश्चन होते हैं, कुछ उसमें पेडागॉजी भी होते हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो इंग्लिश थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट माना जाता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो। हिंदी आप समझ के कर सकते हैं बट इंग्लिश थोड़ा सा टफ माना जाता है। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश को आप थोड़ा सा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में तो आप हिंदी से ही करो, ठीक है। अब बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि लैंग्वेज सिलेक्शन किस तरह से करनी चाहिए। देखिए, अगर आप प्राइमरी लेवल में तैयारी कर रहे हैं, लेवल वन की तैयारी कर रहे हैं, तो लेवल वन में क्या होता है कि सबके सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। कॉमन मतलब ये कि इसमें ऐसा कुछ प्रोफेशनल वो नहीं होता, मतलब जैसे मान लीजिए आपने SST से, आप मान लीजिए आपने BEd किया हुआ है, आपके टीचिंग सब्जेक्ट SST है या साइंस है। लेकिन अगर आप प्राइमरी लेवल में देखेंगे तो प्राइमरी लेवल में ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, मतलब ये कि सब्जेक्ट सबके कॉमन होते हैं बट लैंग्वेज डिफरेंट हो सकते हैं। तो लैंग्वेज का उतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, लैंग्वेज आप कोई भी करके आप आराम से सीटेट का कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज टू, अगर आप सीटेट पेपर टू की बात करें, उसमें आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, तो उसमें जैसे मान लीजिए आप SST से किया तो SST से होगा, आपने अगर BEd SST से किया है तो SST से ही आपका मेन पेपर होगा, या आप साइंस से हैं तो साइंस बैकग्राउंड से ही होगा। खासकर लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज का उतना कोई वो नहीं होता नहीं है। लैंग्वेज आप कोई भी करके आप कर सकते हैं। आप अगर हिंदी में इंग्लिश कंफर्टेबल है तो हिंदी लैंग्वेज वन हिंदी ले लीजिए। अगर संस्कृत में कंफर्टेबल है तो संस्कृत ही बहुत ज्यादा मार्क ऑब्टेनिंग क्वेश्चन होता है, तो उसमें आप मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि संस्कृत से भी करना चाहिए, तो हाँ, मुझे लगता है कि संस्कृत से भी करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपका हिंदी में, अगर आप हिंदी में अगर 20-22 नंबर्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं आराम से और इंग्लिश में आपका 14-15-16 ही आ रहा है, तो मुझे लगता है कि संस्कृत से जाना बेहतर है, क्योंकि संस्कृत के आप क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट करके आप नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। उसमें भी वैसे ही पैराग्राफ वगैरह आते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत उसमें वही आपका नॉर्मल जो होता है संस्कृत के, जो ग्रामर होते हैं, व्याकरण होते हैं, वो सब आता है, ठीक है। तो आप संस्कृत की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप संस्कृत करें या नहीं करें, आपकी जो मर्जी, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो लैंग्वेज में, आप उस लैंग्वेज को पढ़ें, क्योंकि लैंग्वेज 60 नंबर के होते हैं और आप 60 में से अगर आप 45 भी स्कोर कर ले आप, या 50 के अप्रॉक्स भी कर ले, तो आपका एक अच्छा स्कोर आप कह सकते हैं कि आपने ऑब्टेन कर लेंगे। क्योंकि मैथ्स का या आप साइंस का देखें,
तो उसमें भी मतलब आप अच्छा स्कोर कर लेंगे क्योंकि आप उसको पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है उसमें बच्चे उतना कुछ खास शुरू में ध्यान देते नहीं है और सिलेक्शन के टाइम वो बस ऐसे लैंग्वेज चूज कर लेते हैं और एग्जाम में गड़बड़ कर लेते हैं। तो लैंग्वेज का नंबर अगर आपका अच्छा आता है तो फिर आपका स्कोर भी अच्छा ऑब्वियस ही बात ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करें कुछ और चीजों के बारे में, तो एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं आप, है ना, अब सीटेट उतना बड़ा पेपर है नहीं, लेकिन अगर सीटेट को आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज जरूर पाएंगे कि क्वेश्चन इसके हमेशा रिपीट होते हैं, है ना। आप 2-3 साल 4 साल क्वेश्चन उठा के देख ले तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन इसके हमेशा एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं और मतलब क्वेश्चन की जो पैटर्न है हमेशा सिमिलर रहता है, ऐसा कुछ नया कुछ टाइप होता नहीं है। ठीक है, कुछ नया चीज अपडेट हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडअप हुआ है अभी 2020 में, तो उसके क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा एडअप मिलेंगे आपको होते हुए। ठीक है, लेकिन एज इट इज मतलब बाकी सब क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो आप 2 या 3 साल के 4 साल क्वेश्चंस आप देख लीजिए उठा के। मैथ के तो 2-3 साल क्वेश्चन मत देखिए आप, 2020 में जो पेपर हुआ था, सॉरी 2021 में जो पेपर हुआ था दिसंबर में, दिसंबर से जनवरी तक में हुआ था, लगभग 15 से 20 जो मतलब एग्जाम हुए थे 20 दिन तक, उसके क्वेश्चंस आप देख लीजिए, वो भी बहुत है। आप अगर 5-6 दिन या 10 दिन का भी क्वेश्चन अच्छे से कर ले अटेम्प्ट, आपको आइडिया हो जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और सजेशन देना चाहूंगा, जब मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने यूट्यूब से भी वीडियो देखे थे, इसमें हिमांशी सिंह का जो चैनल है वो आप उसको आप जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको मतलब कॉन्टेंट मिल जाएंगे। बेसिकली मैंने जो पढ़ाई की थी CDP की, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा हेल्पफुल हुआ था, बहुत अच्छा हेल्प किया था मुझे। तो आप उनके कुछ मैराथन क्लासेज है, 2-3 आवर्स की क्लासेज है, उसको अगर आप एग्जाम के टाइम भी आप कर लें अच्छे से प्रैक्टिस, तो मुझे लगता है कि आप आराम से CDP में 25+ स्कोर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, खासकर लेकिन आप एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप वाली 2-4 दिन या 5 दिन पढ़ाई कर ली आपने, और आप 1 वीक में एटलीस्ट एक सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करें। आप एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया ये हो जाएगी कि मैंने कितना ज्यादा मैं भी मेरी तैयारी क्या है। अगर आप सैंपल पेपर जितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, अब आंसर नहीं चीटिंग करना है आपको, बस आपको सैंपल पेपर देख के उसमें क्वेश्चन को आपको करना है। अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे आपका जो भी स्कोर आ रहा है उसी प्रकार से आपका रिजल्ट भी आएगा। ये मैंने खुद पे मैं देखा हुआ है कि जब मैं सैंपल पेपर सॉल्व करता था तो मेरे 105, 110 के आसपास आता था, और लास्टली जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया था लास्ट टाइम 21 दिसंबर को, तो मेरा 108 आया था Level 2 में। तो मुझे लगता है कि आप जैसे एग्जाम के सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, आप ईमानदारी से करते हैं, तो आपका स्कोर भी उसी तरह से आपको मिलता है। तो सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए दोस्तों कि सैंपल पेपर में आपका 100+ स्कोर हो, क्योंकि आप 100+ स्कोर नहीं करेंगे तो फिर वो 90 और 100 में थोड़ा सा एक हो जाएगा, ऑन द लाइन हो जाएगा, कभी थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो फिर आप थोड़ा सा नंबर आपका नीचे चला जाएगा और आपका ईयर खराब हो जाएगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पास करने के लिए कर रहे हैं, तो आप अरे क्वालिफाइंग ही है तो क्वालिफाई भी हो जाए तो फिर ठीक है, आप बाकी एग्जाम से बैठ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा पहला सुझाव ये है कि लैंग्वेज सिलेक्शन आप अपने हिसाब से जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो कर लें। सेकेंडली, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप 4 या 5 साल क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करो, क्योंकि 4-5 साल क्वेश्चंस आप करके आप आराम से अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो, और सीटेट में क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हुए आते हैं। थर्ड थिंग, इतने ज्यादा सीरियस मत लो, मतलब ये एग्जाम उतना टफ नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, आपको मतलब आप इसको कर सकते हो। यूट्यूब के वीडियो जरूर देखो आप, जो भी वीडियो अवेलेबल है आपको यहाँ पे, जो ट्रस्टेड चैनल्स है, लेट्स लर्न हो गया और एक और चैनल है इसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं कुछ बता दूंगा कमेंट बॉक्स में या पिन कर दूंगा, तो उसको आप देखिए। तो 2-3 चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है यूट्यूब के पे सीटेट के लिए, उसको जरूर फॉलो करो। आई थिंक यू विल डेफिनेटली बी सक्सीडेड एंड होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम्स में अच्छा हो। आई एम ऑल्सो कीप अपलोडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट हाउ आई हैव अटेम्प्टेड, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू विल। I have already uploaded 2 videos. The first video that was 21st December's examinations, what I given last time, and एक और exam मैंने दिया था 1st January का। तो 2 year का मैंने मतलब 2 question paper मैंने solve किया हुआ है ना, how I attempted the CDP paper, आप उसको जरूर follow करो, उसको देखो, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों आप वीडियोज को ऐसे लाइक कीजिए, ऐसे प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।